जय बाबादेव, जय भीलवट, जय आदिवासी, जय रानी काजल। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत सिंह मौर्य, ग्राम मसनी, अलीराजपुर जिले से हूँ, मध्य प्रदेश। ये क्या है? साथियों, ये आदिवासियों का प्रसिद्ध भीलवट है, जो छोटी दीपावली में पूजा जाता। छोटी दीपावली हो, छोटे से छोटे त्यौहार हो तो होता हो तो हमारे यहाँ रानी काजल है, भीलवट है, जितने भी जो आदिवासियों के देव है वहाँ पे। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये टीके लगाए जाते हैं, सबसे पहले दारू की धार डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे गोबर से निपते हैं, उसे गोबर से अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर ये जवार डालते हैं, फिर ये टीके लगाते हैं। ये टीके दाएं से बाएं लगाते हैं। जो आदिवासी जो प्रकृति है, प्रकृति से मिली जुली है जो संस्कृति, इसीलिए इस दिशा से ये टीके लगाते हैं। ये वाले आप देख सकते हैं, ये टीके थोड़ा सा झूम करके, साथियों ये टीके लगा रखे हैं, ये एंटी क्लॉक वाइज में लगाते हैं, जो दाएं से बाएं लगाते हैं। जिस तरह से जो पृथ्वी घूमती है, जिस तरह से पृथ्वी का जो जीवन चक्र है, उसी आधार पर हमारे यहाँ टीके लगाए जाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बाबा देव का जो सफ़ेद झंडा होता है और लाल, ये हमारा एक पहचान है। और ये है हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरनाक, हमारे देव में इतने पावरफुल है कि जब हमारे समाज में खाना रख के खाते हैं तो गलती से रखना भूल गए तो हमारे यहाँ 5 मिनट में रिजल्ट, 5 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं, हमारे समाज में किसी साथियों को पूछ सकते हैं, ये हमारा इतना ताकतवर देव है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जितने भी भारत देश में जो बड़े बड़े देवस्थल में मानत लेना जाते हैं, जैसे समय बाबा है, रानी काजल है और सिया बाबा है, वो आदिवासियों के प्रसिद्ध देवस्थल है। वहाँ पे पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति में पूजा की जाती है और आदिवासी रीति रिवाज में पूजा की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये टीके कैसे लगाते हैं और हमारे यहाँ घट्टी कैसे घूमती है। हमारे यहाँ जो घट्टी घूमती है, उसी आधार पर हमारे यहाँ पूजा करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ये हमारे यहाँ है। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि इस देश को सिखाने लायक है। हमारी आदिवासी के देवस्थल से देश, एक भारत देश को यह संदेश देता है कि प्रकृति को बचाना है या नष्ट करना है। अगर प्रकृति को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, तो हम जो पृथ्वी जो का जीवन चक्र है, हमें उसी दिशा में हमें चलना होगा और आदिवासियों को सीखना चाहिए। आदिवासी से इस देश के जो नागरिक है, जो इस देश के जो धर्म है, बहुत सारे धर्म, इन धर्मों को आदिवासियों से सीखना चाहिए कि जो प्रकृति है, प्रकृति का जो जीवन चक्र है, उसे बचाए रखने के लिए आदिवासी में किस आधार पर पूजा करते हैं, उस आदिवासियों को उनको सीखना चाहिए। हालांकि वो लोग विरोध करते रहते हैं। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे जो टीके कैसे लगाते हैं, ये करते हैं, हमारी पूजा पाठ कैसी है, और हमारी आदिवासी की जो पूजा पाठ है, इस देश को बहुत बड़ा संदेश देता है कि हम प्रकृति को किस आधार पर बचा सकते हैं, हम पेड़ पौधे को किस आधार पर बचा सकते हैं। यही कारण है कि हम जो पूजा होती है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाने का काम करते हैं। जिस तरह से प्रकृति घूमती है, उसी आधार पर हमारी पूजा होती है, इसलिए आदिवासी को अक्सर प्रकृति पूजक कहते हैं। और जो जोहार शब्द है, यहीं से जोहार का शब्द उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे जोहार का मतलब होता है जवार रखते हैं और हाथ में जवार के दाने रखते हैं, वहाँ पे जोहार बुलवाते हैं, जोहार करते हैं, इसलिए जवार रखते हैं, ये रखते हैं। और जो जोहार का मतलब होता है, जो पूरी तरह से प्रकृति के आधार पर पूजा होती है और इस तरह से पूजा पाठ होती है, वहाँ से जोहार का उत्पत्ति होती है। साथियों, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग हर देव में जाकर देख सकते हैं, बाबा देव में जाकर देख सकते हैं, भीलवट बाबा में जाके देख सकते हैं, और जो रानी काजल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग भारत के प्रसिद्ध सिया बाबा है, वहाँ पे जो आदिवासियों की आधार पे पूजा होती है, वहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे हैं बड़े बड़े हमारे देवस्थल हैं। हालाँकि जो मीडिया है, मीडिया हमारी संस्कृति को नहीं दिखाती है और जो हमारी पूजा पाठ होती है वो नहीं दिखाती है। मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति को एक बार टीवी चैनल के माध्यम से लाइव दिखा के देखिए, हमारी देव में कितनी ताकत है।
आप लोग हमारे जो भी हमारे देवस्थल में पूजा पाठ होती है आप लोग हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाते हैं, ट्विटर के माध्यम से नहीं दिखाते हैं, और न्यूज़ के माध्यम से नहीं दिखाते, हमारे भी हमारी संस्कृति दिखा दीजिए। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि इस देश को सिखाने लायक है। आप लोग देख सकते हैं साथियों, जय जोहार, आदिवासी जिंदाबाद।